here you can see a numerical is given over here. Let us see this problem. So this problem, what the problem actually says, the problem says that a string ABCD, कोई स्ट्रिंग होगी ए बी सी डी कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, एंड इट इज अटैच टू फिक्स पॉइंट ए एंड डी. जो स्ट्रिंग थी वो ए पॉइंट पे फिक्स है और डी पॉइंट पे फिक्स है, ठीक है, और इक्वल वेट 1000 न्यूटन के बी और सी पर अटैच किए गए हैं. बी और सी पे एक 1000 न्यूटन का वेट जो है बी पर अटैच किया गया है, एक 1000 न्यूटन का सी पर अटैच किया गया है, ठीक है. उसके बाद कह रहा है कि द वेट्स रेस्ट विद पोर्शंस ए बी एंड सी डी इंक्लाइंड एट एंगल एज शोन इन फिगर. वेट रेस्ट्स विद द पोर्शन ए बी एंड सी डी. ए बी एंड सी डी इट मीन्स ये पोर्शन और ये पोर्शन, ठीक है, ए बी एंड सी डी ये इंक्लाइंड है कुछ एंगल पे. एक तो ये दिया हुआ है 60 डिग्री, और दूसरा क्या दिया है, एक ये दिया हुआ है 30 डिग्री. तो इस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब कह रहा है कि कैलकुलेट करो, फाइंड द टेंशंस इन द पोर्शंस ए बी, इन द पोर्शंस बी सी, इन द पोर्शंस सी डी ऑफ द स्ट्रिंग. ए बी बी सी और सी डी में टेंशन कैलकुलेट करना, ठीक है. और कह रहा है कि अगर इंक्लिनेशन ऑफ द पोर्शन बी सी विद वर्टिकल इज 120 डिग्री, इंक्लिनेशन ऑफ द पोर्शन जो है ये वाला अगर वर्टिकल से 120 डिग्री है तो ये सारे टेंशन निकालने हैं. देखते हैं न्यूमेरिकल को, देखते हैं, ठीक है. बहुत कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई भी स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं ए बी सी और डी, ये स्ट्रिंग है, ठीक है. तो इस स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग का एक एंड है, जो स्ट्रिंग का एक एंड है वो ए पॉइंट पे फिक्स है और दूसरा डी पॉइंट पे फिक्स है, ठीक. और इसके बी पॉइंट पे 1000 न्यूटन का फोर्स है लटका हुआ, और सी पॉइंट पे 1000 न्यूटन का फोर्स लटका हुआ, ठीक है. उसके बाद इसका जो पार्ट है ए बी और सी डी, ये वर्टिकल के साथ डिफरेंट डिफरेंट एंगल बना रहा है. एक बना रहा है 60 डिग्री, एक बना रहा है 30 डिग्री, ठीक. अब उसके बाद जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे तीन मेंबर कट है, एक तो ये वाला कट है, एक दो तीन. तो अगर ये देखा जाए कि जब ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग जो है ए और डी पे फिक्स है और बी और सी पे वेट लग रहा है, तो ऑब्वियस बात है जब वेट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे, ये सारे वेट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे, तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि ये जो स्ट्रिंग है इस पे टेंशन फोर्स भी लगेगा, ठीक है, टेंशन फोर्स भी लगेगा जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक. जानते हो कि अगर किसी रस्सी को खींचा जाता है किसी डायरेक्शन में, मान लो तुम यहाँ खड़े हो, ठीक है, अब एक रस्सी यहाँ पे इस पॉइंट पे फिक्स है और तुम इसको खींच रहे हो, तो जब तुम इसको खींचोगे तो इसको खींचने के बाद एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और रिएक्शन फोर्स लगेगा, वो क्या होगा इस केस में, टेंशन फोर्स होगा. उसी तरीके से मान लो कि 1000 न्यूटन की ये तुम हो और ये कोई तुम्हारा फ्रेंड है, तो यहाँ पे हैंग कर रहा है, तो टेंशन फोर्स एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा और एक यहाँ बीच में लगेगा, ठीक. तो ये टेंशन फोर्स हमको कैलकुलेट करने हैं, ओके. तो मान लेते हैं कि जो ए बी पोर्शन में जो टेंशन लग रहा है वो लग रहा है टी ए बी, सी डी पोर्शन में जो टेंशन लग रहा है वो क्या लग रहा है, टी सी डी, और बी सी पोर्शन में एक टेंशन लग रहा है वो क्या है, टी बी सी. इस तरीके से तीन टेंशन फोर्स लग रहा है, ठीक है. और बहुत अच्छे से तुम जानते हो, एक थ्योरम पढ़े हुए हो,
लामीज थ्योरम पढ़े हुए हो उसी से हम क्वेश्चन लगाएंगे। लामीज थ्योरम, ठीक है, लामीज थ्योरम से भी लगा सकते हो, सिंपली इक्विलिब्रियम और कंडीशन लगा के भी कर सकते हो। तो तुमको थोड़ा सा हम बताते हैं कि क्वेश्चंस एक्चुअली में जो लगाते हैं वो कौन कौन से तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि अगर सबसे पहले तो हम भाई इक्विलिब्रियम की बात करते हैं बेसिकली, तो फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ एनी बॉडी और सिस्टम, ठीक है, तो क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट हम जानते हैं अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन जितने फोर्स लगते हैं, मतलब सिग्मा एच इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं, ठीक है, मतलब जितने फोर्स लग रहे हैं एक्स डायरेक्शन में उसको जीरो कर देते हैं। दूसरा सिग्मा वाई को जीरो कर देते हैं। तीसरा मोमेंट को किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट जीरो कर देते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर कंडीशन ऐसा दिया हुआ है कि कोई तीन फोर्सेज हैं जो कि कॉन्करेंट इन नेचर हैं, मान लो एक फोर्स है F1, एक फोर्स क्या है F1 फोर्स है, ठीक F1 फोर्स है, दूसरा फोर्स क्या है इस तरीके से F2 फोर्स है, ठीक है, तीसरा फोर्स क्या है इस तरीके से F3 फोर्स है, ठीक। तो ये फोर्सेस का नेचर आपको एकदम क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे कि ये फोर्सेस कैसे हैं, ये फोर्सेस कॉन्करेंट हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, और दूसरा ये क्या भी हैं, कोप्लेनर है, ठीक है, कोप्लेनर है। तो इस केस में हम एक थ्योरम लगा सकते हैं, वो कौन सा थ्योरम होता है, लामीज थ्योरम, ठीक। अब लामीज थ्योरम क्या होता है देखते हैं। एक मान लो ये जो वाला जो फोर्स है ये पी है, क्या है पी है, एक ये फोर्स है इसका मान लो ये क्यू है, और एक फोर्स है ये मान लो आर है, ठीक है, पी जब फोर्स पी है इसकी भी डायरेक्शन पी ही मान लो, इधर ही अंदर ही मान लो, क्या मान लो अंदर ही मान लो, यहाँ पे इसकी भी डायरेक्शन ऐसे मान लो, ठीक। तो क्या होता है जो फोर्स पी है अगर इसके इधर का एंगल मान ले अल्फ़ा, क्यू जब फोर्स लग रहा है तो बाकी दो फोर्सेस के बीच का एंगल मान लें बीटा, और आर फोर्स जब पॉइंट इस पॉइंट पे लग रहा है इस वाले, तो ये वाला एंगल क्या मान लें गामा। तो लामीज थ्योरम ये कहता है कि कोई फोर्स जो है अगर तीन कॉन्करेंट फोर्स लग रहा है पी क्यू आर तीन कॉन्करेंट फोर्स, तो इस केस में हर एक फोर्स जो है बाकी बचे हुए दो फोर्सेस के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब पी फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो दो फोर्सेस के बीच में जो बाकी के दो फोर्सेस बच रहे हैं कौन कौन से, क्यू और आर बच रहे हैं, तो उनके बीच में एंगल कितना है अल्फ़ा है, तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फ़ा होता है, ठीक है, साइन अल्फ़ा। उसी तरीके से क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो पी और आर के बीच में एंगल कितना बीटा, साइन बीटा हो जाएगा ये, ठीक है। उसी तरीके से आर जो है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन गामा हो जाएगा, साइन गामा। अब इन दोनों को मिला दो तो जब करोगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे यहाँ पे पूरी तरीके से, तो पी अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ क्यू अपॉन
साइन बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और आर अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, अब इस इक्वेशन को इक्वेट करते एक साथ तो हमको ये मिलता है पी अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू क्यू अपॉन साइन बीटा इक्वल टू आर अपॉन साइन गामा, ये क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देख सकते हो तीन अननोन है और तीन फोर्स के अननोन और तीन एंगल के अननोन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है। यहाँ पर तुमको लग रहा होगा ये एक फोर्स यहाँ पे लग जाए, एक फोर्स यहाँ लगे, एक फोर्स यहाँ लगे, तीन फोर्स लग रहा है, एक पॉइंट पे है तो कॉन्करेंट कोप्लेनर है CMCP। ठीक, उसी तरीके से बी पॉइंट पे भी यही है। ठीक है, ठीक, अब एक काम करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले लोड एट बी इज इक्वल टू लोड एट सी इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। सबसे पहले क्या दिया है, जो हमारा हमारा लोड दिया है, लोड दिया है बी और सी पे, लोड कितना है ये दोनों बराबर दिया है 1000 न्यूटन। ठीक है, एक 1000 न्यूटन फोर्स दिया है। ठीक, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस लेट अस स्प्लिट ऑफ द स्प्रिंग्स ए बी सी डी इंटू टू पार्ट्स। जो ए बी सी डी वाला ये इतना लंबा दिया हुआ है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, टू पार्ट्स। द सिस्टम ऑफ फोर्सेज एट जॉइंट बी, एक तो बी वाले सिस्टम पे और एक सी वाले पॉइंट पे कितने फोर्सेज लग रहे हैं, दो सिस्टम बढ़ जाएंगे। तो हम एक पॉइंट बी पे बात कर रहे हैं, तो पॉइंट बी पे जो बी सी स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रहा था उसको टी बी सी मान लिए, क्या मान लिया, टी बी सी। ठीक है, और ए बी में जो टेंशन लग रहा वो क्या होगा, टी ए बी। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा, एक ये वेट हो गया 1000 न्यूटन, एक टेंशन फोर्स हो गया इधर टी बी सी और ये टी ए बी हो गया। ठीक, टी ए बी का जो वर्टिकल से एंगल हो कितना 30 डिग्री है, और टी बी सी का जो वर्टिकल से एंगल है 120 डिग्री है, ये दिया हुआ है। उसी तरीके से जॉइंट बी पर आ जाओ, तो जॉइंट बी पर हम आते हैं, तो वर्टिकल डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और सी डी और बी सी, तो वर्टिकल से जो सी डी का एंगल है वो 60 डिग्री है और बी सी से जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से इस डायग्राम में हम दो पार्ट में इस डायग्राम को बांट लिए, एक जॉइंट बी का डायग्राम बना लिए जिस पर तीन फोर्सेज लग रहा है। ठीक, और एक जॉइंट सी पर बना लिए जिस पर तीन फोर्सेज लग रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास है जॉइंट ए बी, हमने मान लिया कि जो टेंशन फोर्स ए बी स्ट्रिंग में है वो टी ए बी है, और जो टेंशन फोर्स बी सी स्ट्रिंग में है वो क्या है, टी बी सी, और टेंशन फोर्स सी डी में है वो क्या है, टी सी डी। हम लामिस थ्योरम लगा सकते हैं, तो पॉइंट बी पे हम लामिस थ्योरम लगाते हैं, इस वाले पे पॉइंट बी पे लामिस थ्योरम लगाते हैं, लामिस थ्योरम लगाएंगे टी ए बी, टी ए बी की बात करेंगे। सबसे पहले टी ए बी, बाकी के दो फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है, ये कितना होगा, चूँकि 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, तो टी ए बी अपॉन साइन 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं टी बी सी की, इसकी बात करते हैं टी बी सी, बाकी के दो फोर्सेस के बीच का एंगल कितना हो जाएगा देखते हैं, क्योंकि ये तो 30 है तो 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 150 डिग्री, तो साइन 150, आप साइन 150 कर लो। ठीक, अब उसके बाद 1000 न्यूटन बचता है, 1000 न्यूटन और बाकी के दो फोर्सेस के बीच का एंगल,
बाकी के दो फोर्सेस के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 120 प्लस 30, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 150, ठीक। तो ये फार्मूला हमने लगा दिया यहाँ पे। फार्मूला लगाने के बाद हमको टी ए बी अपन साइन 60 मिला, टी बी सी अपन साइन 30। टी बी सी अपन साइन 30 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि साइन 150 को साइन 30 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसको और इसको ले लीजिए तो आपको टी ए भी मिल जाएगा। पहले हम फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं, ठीक है, पहले फर्स्ट सेकंड को लेते हैं। तो काम करो यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड को ले लो, तो टी ए बी अपॉन साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 1000 अपॉन साइन 150, ठीक। तो टी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से टी ए बी की वैल्यू सीधे ये भी वैल्यू कितनी आ रही है, 1732 न्यूटन, ठीक। और टी बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 न्यूटन। वैल्यूज पुट करने के बाद हमें मिल जाता है, ओके। अब हम क्या करते हैं, सी पॉइंट पे लामीज़ थ्योरम लगाते हैं, सी वाले पॉइंट पे लामीज़ थ्योरम लगाते हैं। तो सी वाले पॉइंट पे लामीज़ थ्योरम लगाने पर देखते हो तुम, सी वाले पॉइंट पे एक तो सी डी स्ट्रिंग के अलॉन्ग टेंशन फोर्स है, एक बी सी के अलॉन्ग टेंशन फोर्स है, और एक नीचे क्या लग रहा है, वेट लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है भाई, वेट लग रहा है, ठीक। तीन फोर्सेस हैं, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो नीचे टी सी डी जो हम ले रहे हैं, तो उसके बचे हुए दो फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो टी सी डी अपॉन साइन 120 डिग्री, ठीक, इज इक्वल टू 1000 न्यूटन फोर्स अपॉन साइन 120, ओके, इक्वल टू टी बी सी अपॉन 120, ये भी पर साइन 120 ही होगा, ठीक। साइन 60 कह सकते हो, सारे के सारे हो जाएंगे साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 रख सकते हो, ठीक। यहाँ पे फिर देखिए, सारे के सारे साइन 120 है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो टी बी सी इज इक्वल टू टी सी डी इज इक्वल टू 1000 न्यूटन, मतलब ये कह रहा है कि सी जॉइंट पे जो सेक्शन कट किए हम, सी जॉइंट पे वहाँ पे जो फोर्सेस मिलेंगे 1000 न्यूटन इक्वल मिलेंगे, मतलब इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे हमको जो टेंशन फोर्स मिलेंगे वो इक्वल मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, ये न्यूमेरिकल पढ़िए।
एक लाइट स्ट्रिंग है ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी ई जो है एक लाइट स्ट्रिंग है, क्वेश्चन कहता है देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं भाई, ये क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप, क्वेश्चन है सामने, अ लाइट स्ट्रिंग ए बी सी डी ई हूज एक्सट्रीमिटी ए इज फिक्स्ड, ठीक है, क्या कह रहा है, एक ए बी सी डी ई जो है स्ट्रिंग है, एक ए बी सी डी ई स्ट्रिंग है जिसका ए पॉइंट फिक्स है, ठीक, एंड हैज़ वेट डब्लू वन डब्लू टू अटैच्ड इट एट पॉइंट बी एंड सी, डब्लू वन और डब्लू टू वेट है बी और सी पे अटैच है, इट पासेज राउंड अ स्मॉल स्मूथ पेग एट डी, ठीक है, डी से होते हुए एक स्ट्रिंग जा रही है जहाँ पे 300 न्यूटन का वेट लटका हुआ है, इट इज़ फ्री टू मूव इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन एज द सोन इन फिगर, नाउ एज यू कैन सी द डायग्राम इज वेरी क्लियर टू यू एंड दिस डायग्राम इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम बेस्ड लाविस थ्योरम, If in equilibrium position BC is horizontal and ABCD make 150-120 degree with BC, then find tensions in portions AB, BC and CD of the string and the magnitude of W1 and W2. मतलब टेंशन फोर्स की बात कर रहा है और कह रहा है कि W1 और W2 की वैल्यू क्या रहा है कि BC जो है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, BC क्या रहा है हॉरिजॉन्टल है, यही चीज़ बोल रहा है, ठीक, तो ये बी सी स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है, इसके लिए W1 और W2 का वैल्यू क्या है वो हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, और साथ ही में साथ यहाँ टेंशन फोर्स क्या क्या निकल रहा है उसकी वैल्यू हमको बतानी है, फिर से उस इसी तरीके से B और C पॉइंट पर हम इसको तोड़ लेते हैं डायग्राम को, बी पॉइंट पे जितने फोर्स लगेंगे एक वो फिगर हो जाएगा और सी पॉइंट पे जितने फोर्स लगेंगे एक वो फिगर हो जाएगा, तो दो पार्ट में बट जाएगा, दो पार्ट मतलब एक एक तो एट पॉइंट बी हो जाएगा, एट पॉइंट बी, ठीक, और दूसरा वाला एट पॉइंट सी, ठीक है, बी पे देखिए, बी पे एक सी डायरेक्शन में टेंशन फोर्स मिलेगी, एक ए डायरेक्शन में टेंशन फोर्स मिलेगी या डब्लू वन मिलेगा, और सी पर 300 न्यूटन इधर, डब्लू टू इधर और ये बी सी मिलेगा, तीन फोर्सेस हैं, फिर उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर फोर्सेज हैं, ठीक है, कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर फोर्सेज हैं, ठीक, कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर फोर्सेज हैं, और यहाँ पे एट पॉइंट बी की अगर हम बात करें, एट पॉइंट बी की अगर हम बात करें तो कौन कौन से फोर्सेज हैं, डब्लू वन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लगा हुआ है और टी ए बी एक टेंशन फोर्स लगा है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपवर्ड डायरेक्शन में, और तीसरा टी बी सी, ये पॉइंट बी पे, इसी तरीके से पॉइंट सी पर भी है, ठीक, अब टेंशन इन पोर्शन ए बी बी सी सी डी ऑफ स्ट्रिंग मान लेते हैं ये है, तो ये है, ये है, तो सी डी और डी
पोर्शन की अगर हम टेंशन की बात करें, सी डी और डी कहाँ पे है, ये सी डी और डी पोर्शन की बात करें, सॉरी सी डी और डी पोर्शन के डायरेक्शन जो होगी, आई थिंक सी डी डी की डायरेक्शन नीचे वेट इधर लग रहा है तो टेंशन इधर लगेगा और सी डी इधर टेंशन लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों का जो टेंशन की वैल्यू होगी वो 300 न्यूटन फोर्स के बराबर होगी। वी नो द टेंशन इन द पोर्शन सी डी ऑफ द स्ट्रिंग, सी डी इक्वल टू डी इक्वल टू 300। तो मतलब हमको कहीं ना कहीं यहाँ पे टी सी डी और टी डी ये हमको 300 न्यूटन मिल जाता है, ठीक है। ये फोर्स हमको मिल जाएगा, ठीक, ये मिल गया हमको 300 न्यूटन। अब हम सी पे लामिश थ्योरम लगा देते हैं, सी पर लामिश थ्योरम लगाइए। सी पे लामिश थ्योरम लगाएंगे तो हमको ये कुछ ये पता ही है तो हमको डब्ल्यू टू मिल जाएगा। तो अप्लाइंग ये डायग्राम है ना, तो यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। नाउ अप्लाइंग लामिश थ्योरम एट पॉइंट सी, ठीक। तो लामिश थ्योरम लगा देते हैं, ये 120 है, ये 90 है, तो 90 प्लस 120 ये कितना हो गया, 210 हो गया। तो 360 से सब्ट्रैक्ट कर दो 0, 6, 5, 150, तो ये कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो 300 अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू डब्लू टू अपॉन साइन 120 इक्वल टू टी बी सी अपॉन साइन 150, ओके। अब यहाँ पे वैल्यूज रखो तो आई थिंक डब्लू टू यहाँ पर मिल जाएगा, पहला और दूसरा रहने पर डब्लू टू मिल जाएगा, पहले दूसरे को ले लो डब्लू टू मिल जाएगा, और पहले और तीसरे को ले लोगे तो टी बी सी मिल जाएगा। आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर, ओके। तो देखते हैं वैल्यू क्या आती है इसको सॉल्व करने के बाद, यही मैं बोल रहा था, यही सब यही बताया हूँ। तो वैल्यू देख लेते क्या आ रही है, साइन 30 150 को इन्होंने साइन 30 लिख दिया है और 210 को 260 लिख दिया है। सॉरी 120 को, ठीक है। ओके, तो कहाँ पे थे ये न्यूमेरिकल, आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। ये वैल्यूज रख लो, डब्लू वन अपॉन टी बी सी अपॉन साइन 150, डब्लू टू अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू डब्लू 300 अपॉन साइन 90 डिग्री, ओके। वैल्यू तुमने रखा, देन टी बी सी अपॉन साइन 30
इज इक्वल टू डब्ल्यू टू अपन साइन 60 इज इक्वल टू 300 यहाँ पे हो गया, ठीक है। देन टी बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 साइन 30 डिग्री, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 300 इंटू 0.5 150 न्यूटन आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। देन डब्ल्यू टू इज इक्वल टू 300 साइन 60 डिग्री, यहाँ पे देख सकते हो डब्ल्यू टू जो है, डब्ल्यू टू को क्या लिख सकते हो 300 साइन 60 डिग्री लिख सकते हो, थ्री हंड्रेड साइन 60 डिग्री। ये 90 प्लस 120 ये क्या हो जाएगा 210, ठीक है। 360 में सबट्रैक्ट करा दो 150, तो ये 150 हो जाएगा, ठीक। तो 180 माइनस 150 कितना हो जाएगा 30, तो जब 30 हो जाएगा तो आप डब्ल्यू टू को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू टू इज इक्वल टू 300 साइन 30 लिख सकते हैं, ठीक है। 300 इंटू 1/2 ये क्या जाएगा 150 न्यूटन डब्ल्यू टू, इट क्लियर, ओके। तो इन्होंने यही तो लिखा है डब्ल्यू टू इक्वल टू 300 साइन 60 डिग्री, और ये क्या लिखा है टी बी सी इक्वल टू साइन 0.5, सॉरी ये 150 न्यूटन डब्ल्यू टू का था, टी बी सी का था, डब्ल्यू टू का जो होगा साइन 60 डिग्री होगा, साइन 60 मतलब रूट थ्री बाई टू या 0.866। ठीक है, अब पॉइंट पी पे हम लामिश थ्योरम लगाते हैं, मतलब यहाँ इस वाले पॉइंट पे, क्यों इस वाले पॉइंट में बाद में लगा रहे हैं, चूँकि हमको जब टी बी सी मिल गया है ना तो इसमें एक अननोन मिल गया हमको, ये मिल गया और ये भी हमको पता ही है, तो हम आराम से टी ए भी निकाल सकते हैं, लगा दो टी ए भी साइन अपन साइन 90 डब्ल्यू वन अपन साइन 150 बोलो टी बी सी अपन साइन 120 डिग्री, देन हियर पुट द वैल्यू ऑफ साइन 90 डेट इज 1, पुट द वैल्यू ऑफ साइन 150, इफ़ यू विल कन्वर्ट द साइन 180 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा, दैट सिंपली फार्मूला इज प्रूव्ड दैट द साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 60 इसको लिख सकते हो, साइन 30 लिख सकते हो, यहाँ से टी ए बी की वैल्यू क्या रहेगी 173.2। तो इस तरीके से यहाँ से हम डब्ल्यू वन की वैल्यू निकाल दी 86.6 न्यूटन, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू, डब्ल्यू वन की वैल्यू आ गई 86.6 न्यूटन, डब्ल्यू टू की आ गई 259.8, तो मतलब डब्ल्यू वन 86 अप्रॉक्सीमेटली और डब्ल्यू टू 260 न्यूटन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये वैल्यूज अगर यहाँ पे लटकाई जाएंगी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो ये बी सी वाला है ये क्या रहेगा, ये हॉरिजॉन्टली लोकेट रहेगा, ठीक है। ये बी सी क्या रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल में रहेगा, हॉरिजॉन्टल में रहने के लिए डब्ल्यू वन की वैल्यू डब्ल्यू टू की वैल्यू किस तरीके से होनी चाहिए, आई थिंक डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू जो है, डब्ल्यू वन जो है छोटा ही आएगा डब्ल्यू टू से, यहाँ पे देख सकते हो, डब्ल्यू वन आया 86.6 न्यूटन और डब्ल्यू टू आया 259.8 न्यूटन, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है 3 से 4 गुना ज़्यादा वेट यहाँ पे लटकाना पड़ेगा। अब ये वाली वेट की जो वैल्यू है आई थिंक फोर टाइम्स ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू बी वाले वेट के, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। ये क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक लाइट फिक्चर वेइंग 15 न्यूटन हैंग्स फ्रॉम अ पॉइंट सी बाय द टू स्ट्रिंग्स एसी एंड बीसी। द एसी इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री व्हाइल द BC is inclined at 45 degree to the horizontal as shown in figure. This is very clear from the figure number 5.27. This is the example mentioned in R.S. Kurmi textbook of engineering mechanics. Now here you can see a string, electric light fixture weighing 15 Newton is hanged in downward direction at point C. AC is inclined at 60 degree to the horizontal, and the BC is inclined at 45 degree from the vertical direction of wall. So finally you have to use the Lamy's theorem, and after using Lamy's theorem you have to go for the calculation of the forces along the AC direction as well as BC direction. It means you have to calculate the value of forces along AC and BC. Okay, now Let us assume that the tension along the AC portion, that is TAC, ये कितना है TAC, and tension along the BC string, that is TBC. Okay, and the weight at C point is 15 Newton. This is the whole things whatever given in the question. Now here we will use the triangle, love triangle, as a converse of love triangle. Now here you can see TAC, TBC, the VW is acted in the same point, means that these are the concurrent forces. Now TAC, TBC, यहाँ से TBC, ये वाला एंगल नीचे R, ये क्या हो गया R, ये रिजल्टेंट, यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ड्रॉ द डायग्राम, तो फिर